नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ओवरटेक करते समय रोडवेज बस और घायल बस चालक की मौत। घने कोहरे में ओवरटेक करते समय रोडवेज बस व ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस में करीब आधा सैकड़ा सवारियां मौजूद थी। बस दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी। घटना के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाकर यातायात को चालू करवाया। दरअसल अजमेर डिपो की रोडवेज सोमवार को करीब आधा सैकड़ा सवारियों को लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही थी। जैसे ही बस गुरुसाईगंज कोतवाली क्षेत्र जसोदा गांव के पास पहुंची, घना कोहरा होने की वजह से आमने सामने से तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने भिड़त हो गई। हादसे में बस ड्राइवर राजस्थान के भरतपुर निवासी सुंदर लाल 45 वर्षीय पुत्र चुन्नी लाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जसोदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों को इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद जाम खुलवाया। सड़क हादसे की सूचना है, घायल जिला अस्पताल लाए गए हैं। किस प्रकार, कितनी संख्या है और क्या कैसे उपचार दिया जा रहा है? आज सुबह जशोदा के पास ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 12 घायल यहाँ पे आए हैं और एक मृत मृतक यहाँ पे पहुँचे हैं। जो घायल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, जिसका सब यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा रहा है और अभी वो स्वस्थ हैं, उनके देखभाल की जा रही है। और इसमें जो मृतक हैं वो बस के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, इसकी सूचना दे दी गई है। और दो लोग अपने मर्जी से यहाँ से, एकदम हल्की चोटें थी, प्राथमिक उपचार के बाद वो यहाँ से स्वतः अपनी मर्जी से। सर, टोटल कितने घायल हैं? टोटल टोटल 12 आए हैं घायल यहाँ। एक की मौत है, एक डेड बॉडी अलग है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।